अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आइंदा माली साल के लिए तवानाई शोबे को 600 अरब रुपए से जायद सब्सिडी का तखमीना है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की नस्बत आइंदा माली साल तवानाई शोबे की सब्सिडी में 375 अरब रुपए कटौती का तखमीना है। नए कर्ज के लिए IMF शर्त पर तवानाई शोबे के लिए सब्सिडी को कम किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस मुतालिक? जी, आइंदा माली साल के लिए बजट पर काम जो है वो उसका आगाज हो चुका है और वजारत खजाना के जराए कहते हैं कि आइंदा माली साल के लिए तवानाई के शोबे को 600 अरब रुपए से जायद सब्सिडी का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल तवानाई के शोबे की सब्सिडी में 375 अरब रुपए की कटौती का तखमीना लगाया गया है और जराए ये भी कहते हैं कि नए कर्ज के लिए IMF शर्त पर तवानाई शोबे के लिए सब्सिडी को कम किया जा रहा है और वजारत तवानाई की समरी के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान सब्सिडी नहीं फ्राहम की जाएगी और आइंदा माली साल बजट में IPPs को अदायगियों के लिए सब्सिडी फ्राहम की जाएगी और डिस्कोज के लिए के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ डिफरेंशियल और अदायगियों के लिए सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए टैरिफ सब्सिडी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को अदायगियों के लिए सब्सिडी मिलेगी और बलोचिस्तान में एग्री ट्यूबवेल्स के लिए सब्सिडी, फाटा के इलाकों में बिजली की सब्सिडी के लिए रकम मुख्तस होगी और के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में वफाक की जानिब से सब्सिडी मिलने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर करेंगे। काबीना इजलास में मामले की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान मौजूद है। काबीना का इजलास जूम पर होगा जहाँ बेशतर गुजरा ऑनलाइन शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर का खत। जो बाइडन ने नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का उनके लिए ये पहला खत है। खत में अमरीकी सदर ने नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। खत में मजीद लिखा गया कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका वीजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। जो बाइडन ने कहा कि खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ने खत में लिखा कि दोनों अकवाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तकवीत देंगे और अवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% बतदरीज कमी हुई है। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की मजमुई शरह 29.41% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान चिकन और अंडे मजीद महंगे हो गए। इसके मुकाबले में आटा, सब्जियाँ, चीनी, चावल, दालें सस्ती हुई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के दादो शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई में बतदरीज कमी, 4 अशिया ज़रूरिया महंगी जबकि 18 सस्ती हुई। 29 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.09 की मामूली कमी हुई जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमुई शरह 29.41% पे आ गई। चिकन 21.08 रुपए फी किलो जबकि अंडे 4.45 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। आटे का थैला 103.85 रुपए, सब्जियों में टमाटर 12.69 रुपए, लहसुन 15.53 रुपए, प्याज 3.53 रुपए अर्जा हुए। दालचना 1.48 रुपए, चीनी 71 पैसे फी किलो सस्ती हुई। एक हफ्ते में बासमती चावल, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में कमी वाकई हुई है। शहरी कहते हैं अशय खुरनोश की कीमतें अब जेबों पर भारी हैं। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। रोज महंगा हो रहा है, 10-10 रुपए किलो महंगा हो रहा है, अब 600 से ऊपर क्रॉस कर गया। बिल जो आते हैं वो टिका के बहुत ज्यादा बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं। महंगाई सस्ती हो कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, गरीब को जीने नहीं देते, गरीब का जीना दुश्वार कर रखा है। सब्जी का रेट देख लें, हर चीज में महंगाई है,
कोई चीज में भी ऐसा नहीं है और हर काम में दो नंबर ही काम गुजर रहा है। जिस बंदे ने 50 रुपए की चीज लानी उसको वो कहते हैं कि ये 60 रुपए की कर दी। बिजली के बिलों में, सी गैस के बिलों में, दूसरे बिलों में और अपने बच्चों के यानी कि स्कूल की फीसों में, वो तो सारे पीसा हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं, एक मिसाल कि अगर जो इसमें कोई 10 रुपए कोई कम रेट कर भी दिया है तो वो क्या कम हुआ है, उससे वो क्या फ़ायदा होगा गरीब आदमी को। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। पेशावर में फलों की कीमतें ताहाल कम ना हो सकी, मौसमी फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। स्ट्रॉबेरी 350, सेब 330 और केला 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। पुरदनोश की तरह फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फलों के मुख्तलिफ कीमती होती है। पेशावर की चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पे कीमतें जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इस वक्त पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे चंद फल है जिसकी कीमतें कुछ यूँ हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है वो मौसमी फल भी है और पेशावर के करीबी चारसद्दा और दीगर इलाकों में काश्त की जाती है, तो उसकी कीमत जो है वो 350 रुपए से 400 रुपए फी किलो है। इसी तरह सेब ईरानी 330 रुपए फी किलो और क्वेटा का सेब है वो 250 से 300 रुपए फी किलो है। इसी तरह अमरूद की कीमत जो है वो कुहाड़ी अमरूद जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो और पंजाबी अमरूद है वो 250 से 300 और 320 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। किनो फी दर्जन जो है वो 250 से 300 रुपए तक है, जबकि केला भी फी दर्जन 250 से 300 रुपए है। यहाँ पे हमारी बात हुई शहरियों से, सो शहरियों का ये कहना था कि पहले तो गरीब लोग जो है, गरीब तबके के लोग जो है वो पल नहीं का। ठीक है कामरान अली शाह, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर कोयटा में 20 किलो सरकारी आटे की कीमत 2398 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बरक्स मार्केट में ये आटा 2850 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से। अब्दुल जब्बार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को जो है मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। माह रमज़ान में जहाँ पर दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है, वहीं पर आटे की कीमतों को भी पर लग चुका है। इस वक्त मार्केट में जो है आटा है वो 2800 रुपये से लेकर 2840 रुपये, 2850 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से सूबे के आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है यहाँ पर सस्ता आटा जो है स्कीम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत 20 किलो का आटे का तेला जो है इस वक्त 2398 रुपये यानी 2400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ से इस वक्त ख़रीदारी कर रही है। जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये ऐसा इकदाम जो उठाया गया है जो आवाम को कम कीमत पर आटा जो है फराहम कर दिया, ताम इस वक्त जो है ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। रमज़ान के महीने में लोग बड़ी तादाद में यहाँ से आकर जो है इस पॉइंट से आटा खरीद रहे। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का ज़ीरो डे वेस्ट पर पैगाम, कहा हर दिन को ज़ीरो वेस्ट डे के तौर पर मनाना चाहिए। आज शायद ज़रूरत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और वेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी सनअती मईशत की ज़रूरत है जहाँ वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम से कम पैदा हो। मजीद कहा कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। आवाम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को कम करके माहौल दोस्त मुतबादल को अपनाएं। इज्तमाई कावे से हम अपने बच्चों को साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताएगा दरख्वास्त में क्या मौकिफ अपनाया गया। जी, दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया गया कि पब्लिक फंड्स को जाती तहशीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना है, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि कौमी खजाने से इसकी रकम की अदायगी की जानी है। दरख्वास्त में सलाह की गई है कि पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड जारी करने से रोका जाए और अब तक जो इस पे अखराज आए हैं वो भी नवाज शरीफ से वसूल किए जाए। जी ठीक है बादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। कराची में मनसूबा बंदी के बगैर शुरू किए जाने वाले तामीराती मनसूबे आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। करीमाबाद अंडरपास के सुस्त रवैये से जारी काम की वजह से न सिर्फ मीना बाजार की खवातीन दुकानदारों का ईद सीजन खराब हुआ है,
बल्कि मकीनों के लिए आमदोरफ्त जान जोखिम में डालने के बराबर हो चुकी है। शारिका कमाल इस पर रिपोर्ट करेंगे। करीमाबाद के मीना बाजार में रमजान मुबारक में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, मगर इस बार ईद सीजन में सन्नाटे का राज है। खवातीन दुकानदार दिन भर खरीदारों की मुंतजर रहती हैं। वजह है करीमाबाद का जजीरे तामीर अंडरपास। तख्ती लगाने के शौक में निगरान हुकूमत ने मुतबादल रस्तों का बंदोबस्त किए बगैर जल्दबाजी में मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इसके अंदर गाड़ियाँ वगैरह जब आती है तो पूरा जाम हो जाता है। कस्टमर हम लोग एक घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। अतराफ की दीगर मार्केटें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। दुकानदार कहते हैं कि पथारे ही हटा दिए जाएं तो उनका कारोबार चल सकता है। इस रोड को बनाया जाए और पतारे माफिया को तमाम पतारे माफिया कम कर दिए जाएं, बल्कि हटा दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होती है फैमिलियां। छह महीने से काम चल रहा है, कोई मुझे लग नहीं रहा कि काम चल रहा है, नहीं बस खुदाई की हुई है, धूल मिट्टी अलग है, काम पे इतना ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अंडरपास की वजह से इलाका मक्कीनों का गुजरना महाल हो चुका है। मैं यहाँ मकामी 35 साल से रह रहा हूँ। आप यकीन करें कि किसी इमरजेंसी की सूरत में हमारा कोई मरीज नहीं जा सकता, किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी आप ये समझ लीजिए कि मैयत गाड़ी तो दूर की बात है, एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती यहाँ से। मकीनों का शिकवा है कि अंडरपास के अतराफ कोई हिफाजती इकदाम तक नहीं किए गए, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। 1 किलोमीटर से जायद तवील करीमाबाद अंडरपास का मनसूबा तकरीबन 2 बरस में मुकम्मल होगा। कैमरा टीम के साथ शारका कमाल, GNN कराची।